पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक रहे हैं। अबुल फकीर जैनुल अबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम जी को हमेशा अंदर से सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक मींस प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में शुरू किया। दूसरा, कलाम जी के विचार वाकई में जनता के लिए, नौजवानों के लिए क्रांतिकारी साबित होते थे। उनके शब्द इंसानों को हमेशा एक अच्छी राह दिखाने में सहयोग करते थे। तो आइए ऐसी महान आत्मा के विचारों को सुनते हैं। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती। जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। दुनिया में सबसे खुशी का एहसास तब होता है जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडिया मिलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। हमेशा आप ही अपने काम आएंगे। खुद से मशवरा करना सीख लीजिए। कामयाब इंसान खुश हो ना हो, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। अगर आप पहली बार कोई कार्य करते हुए फेल हो जाओ तो निराश मत होना, क्योंकि मेरे हिसाब से फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना हो, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी परेशानियों को हमें खुद को हराने नहीं देना चाहिए। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब हम परेशानियों में फंसे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक छुपा हुआ साहस हमारे अंदर है, जो हमें तभी दिखाई देता है जब हम असफलता का सामना कर रहे होते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपना देखना होगा। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और
और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या कोई दूसरा लक्ष्य ही क्यों ना हो। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना, इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी को हराना आसान है, लेकिन दूसरों को दिल को जीतना बहुत मुश्किल है। विशेष रूप से युवाओं के लिए मेरा संदेश यह है कि अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। क्षमता का निर्माण करना अंतर को भंग करता है, इससे असमानताएं खत्म हो जाती हैं। यदि चार बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है, यह हमारा सपना है और यह अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। वास्तविक शिक्षा मनुष्य की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान को बढ़ाती है। एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है वो है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि, आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है, तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के विचारों को रोज अपनी ऊर्जा में शामिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस।